डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब मोटिवेशनल गुरुजी मिस्टर सचिंद्रा एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन टू सी द लेटेस्ट वीडियो फर्स्ट ऑन। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अपने माइंड के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं अपने माइंड के पावर को बढ़ाने के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, माइंड तो सबके पास होता है। बचपन से आज तक हमें कई सारी चीज़ें पढ़ने को मिली, कई किताबें मिली, कई पुस्तकें मिली, और उस किताबों को हमने अध्ययन करके अपने माइंड में रखा। लेकिन आज तक हम जिस माइंड से पूरी दुनिया को पढ़ते हैं, जिस माइंड से हर एक काम करते हैं, लेकिन कभी भी आपको ये बातें समझने को नहीं मिली कि अपने माइंड को कैसे पढ़ा जाता है, अपने माइंड को प्रोग्राम कैसे किया जाता है, और अपने माइंड को अपने अच्छे के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम बेसिकली अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना नहीं जानते, और जिसके कारण हम क्या करते हैं, अपने माइंड का गलत उपयोग करके अपने लिए गलत वातावरण पैदा कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको समझे कि माइंड क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो सब इस माइंड का ही जो है एक रूप है। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े चीज़ आपको दिख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, वो ज़िंदगी में कितनी बार बनी है, ताजमहल कितनी बार बना है, बुर्ज खलीफा कितनी बार बना है, गेट ऑफ इंडिया कितनी बार बना है, इंडिया गेट कितनी बार बना है, तो ये लाइफ में केवल एक बार बना है, ऐसा कई लोगों का मैंने आंसर सुना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, असल में इसका करेक्ट आंसर ये है कि लाइफ में दो बार बना है। ये लाइफ में दो बार बना है। दो बार कैसे बना है? माय डियर फ्रेंड्स, आज जो कुछ भी आपके लाइफ में घट रही है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, वो लाइफ में दो बार बनता है। पहले कोई भी चीज़ आपके माइंड में बनती है, पहले कोई भी चीज़ आपके माइंड में बनता है, माइंड में बनने के बाद पेपर में, और बाद में रियल में बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, हर चीज़ें माइंड में बन रही है, हर चीज़ें माइंड में क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह आपको भी जो बनना है, आपको जो करना है, आपको भी जो आने वाले दिनों में जो करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए अपने माइंड को प्रोग्राम करो। उसके लिए आप अपने माइंड को प्रोग्राम करो, और ये प्रोग्रामिंग कैसे करना है, मैं आपको आने वाले दिनों में ये वीडियो में बताऊंगा। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा होगा या आपने सीखा भी होगा, स्टार्टिंग में आपने बाइक आपने ड्राइविंग सीखी होगी, तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में आपको बाइक चलाते समय या कार चलाते समय आपको काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा होगा। आप स्टार्टिंग में जो गियर्स थे, जो क्लच थे, जो ब्रेक थे, आपको बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही थी, क्योंकि आप स्टार्टिंग में उसे चलाते समय अपने कॉन्शियस माइंड से उसे हैंडल कर रहे थे। अपने माइंड में दो प्रकार का, अपना माइंड दो प्रकार का होता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो होते हैं जिसमें हम जो भी सारे काम करते हैं, जो भी सारे वर्क करते हैं, कॉन्शियसली प्रेजेंट होते हैं और काम करते हैं। जैसे हम कोई गाड़ी सीख रहे हैं या कार सीख रहे हैं, और जो गाड़ी और कार हम सीख रहे हैं, उस सीखने के दौरान जो हम क्लच दबा रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, वो हम कॉन्शियसली दबा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, अभी वो अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में आया हुआ नहीं है। उसके लिए वो हमें क्या करना पड़ रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी वही चीज़ें अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, और ये बार बार प्रैक्टिस 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 करने के बाद वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक पैटर्न बन जाता है, और पैटर्न बनने के कारण आपने देखा होगा कि कई लोग गाना सुनते रहते हैं, कई लोग आपस में बातें करते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर ऑटोमेटिकली लगता रहता है, क्योंकि उसका पैटर्न, वो गियरिंग का पैटर्न उनके माइंड में बन गया है। उन्होंने पैटर्न बना लिया है अपने माइंड में, और वो चीज़ें वो ड्राइविंग का स्किल जो है उनके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका है। माई डियर फ्रेंड्स, इसी तरह हम अपने लाइफ में जो भी कार्य करते हैं, जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में घटती है, जो भी चीज़ें हमारी आँखों से दिखती है, कानों से हम सुनते हैं, जो भी हम बिहेव लोगों का देखते हैं या खुद करते हैं, स्लो एंड स्टडी वो हमारे लाइफ में एज अ पैटर्न बन के हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और जब भी हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, और उस पैटर्न को हम यूज़ करते हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी और उस घटनाओं को हमने एक पैटर्न बना के माइंड में रख लिया। कई अच्छी अच्छी घटना घटी, उसकी अच्छी फीलिंग हमने अपने माइंड में रख दिया। कोई हमारे साथ लाइफ में कोई एक बुरी फीलिंग हुई, और उस बुरी फीलिंग को हमने अपने माइंड में एज अ पैटर्न बना के रख लिया। माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसे कई सारे पैटर्न हम अपने माइंड में बना लेते हैं। समटाइम वो पैटर्न अच्छे होते हैं, समटाइम वो पैटर्न बुरे होते हैं, और अच्छे पैटर्न से आप एक अच्छा फील करते हो, अच्छा कॉन्फिडेंटली वर्क करते हो, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हो। लेकिन कई बार ऐसे कई बुरी पैटर्न हमारे माइंड में आ जाती हैं, और जिसके कारण उस पैटर्न को हम बार बार
यूज करते हैं और दुखी और चिंतित होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छे अच्छे पैटर्न्स को अंदर स्टोर करो, अच्छे अच्छे पैटर्न्स को अपने माइंड में डालो, और जैसे जैसे आप अपने माइंड में अच्छे अच्छे पैटर्न्स को डालोगे वैसे वैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अच्छे अच्छे पैटर्न स्टोर हो जाएंगे, और जो आपके जो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था आपके लाइफ का, जो जो आपके माइंड में कोई ऐसे बुरे पैटर्न्स आपके माइंड में आ चुके हैं, सबकॉन्शियस माइंड में आ चुके हैं, तो उसको स्लो एंड स्टडी अच्छे पैटर्न से रिप्लेस करो। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस दुनिया में हर किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरी चीज़ें घटी, हर किसी व्यक्ति के साथ एक परेशानी का दौर गुजरा, और उस परेशानी के दौर को गुजरने के साथ उन्होंने बहुत सारी खराब फीलिंग अपने माइंड में रख ली है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी खराब हैबिट अपने माइंड में रख ली है, बहुत सारी खराब आदतें अपने माइंड में आ गई हैं, और जिसे हम जाने अनजाने में उसे हम प्ले कर रहे हैं, जाने अनजाने में हम वो कर रहे हैं, हम नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं एक हेल्थी होना, हम भी चाहते हैं रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, हम भी चाहते हैं रोज़ किताब पढ़ना, रोज़ बुक्स पढ़ना, हम भी चाहते हैं रोज़ खुद को एनालाइज करना, पर हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे माइंड में वो पैटर्न बन चुका है। हमारे माइंड में रोज़ बुक ना पढ़ने का सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न बन चुका है। जब तक ये पैटर्न रिमूव नहीं होगा तब तक हम वो कार्य करेंगे नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो पैटर्न को इंसर्ट करो वो, और अपने माइंड को प्रोग्राम करो। माय डियर फ्रेंड्स, माइंड को प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। आज आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी आपके लाइफ में घटने वाली हैं, वो सब सारे आपका माइंड पहले क्रिएट करता है। आप जो कुछ भी आज सोच रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के दौरान जो कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है वो आपका माइंड प्रोग्राम कर रहा है। आप जो भी कुछ देख रहे हो आपका माइंड प्रोग्राम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, है आपको भी अपने माइंड को इस तरह प्रोग्रामिंग करके रखना है। आपको जो भी आपके लाइफ में चाहिए, जो भी अचीवमेंट्स आपको चाहिए, जो भी आप करना चाहते हो, उसका एक माइंड को प्रोग्राम बना के अपने माइंड में फिट करो। अपने माइंड को एज अ रिचुअल बना के वो काम माइंड में फिट करो, और डेली कर करके उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो, ताकि वो आपका एक पैटर्न बन जाए, और स्लो एंड स्टडी आप देखोगे आप अपने गोल को अचीव करोगे, आप एक हैप्पीएस्ट लाइफ को अचीव करोगे, आप अच्छा हेल्थ को अचीव करोगे, आप एक खुश व्यक्ति बनोगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो आप अपने माइंड को प्रोग्राम करिए, इसके लिए काम करिए। माय डियर फ्रेंड, इसको डेवलप के लिए काम करिए। आपका माइंड बहुत ही पावरफुल है। आपका माइंड इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। आपका माइंड इस पूरे खुद को चेंज कर पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। लेकिन क्या आपका माइंड वैसा सोच रहा है? क्या आपने आपके माइंड को ऐसे प्रोग्राम करी है? क्या आपने डिसाइड किया है? क्या आपने वैसे पैटर्न्स बनाए हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करें, आप सभी लोग अपने माइंड को प्रोग्राम करें जो भी चीज़ें आप बनना चाहते हो, और उसे कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाओ, कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस माइंड में उस पैटर्न को डालो, ताकि आने वाले समय में जो भी आप कार्य करो, जो भी वर्क करो, उसमें आप सफलता प्राप्त करो। माय डियर फ्रेंड, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और सभी लोगों को शेयर करिए, ताकि वो भी इसके बारे में जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब मोटिवेशनल गुरुजी मिस्टर सचिंद्रा एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन टू सी द लेटेस्ट वीडियो फर्स्ट ऑन।